हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो दुबई D10 डिवीज़न 1 का आज के दिन का यहाँ पर दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा 11S वर्सेस कोलाटा चॉकलेट्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा ना टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे मैच के बारे में। 10 बजे मैच स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है, बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 90 से 110 बनता है। 11 मैचेस हो चुके हैं, 7 जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 4 में चेज हुआ है, मतलब चेज करना यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहले बात करेंगे COL की टीम की, तो इनकी टीम ने खेले हैं 3 मैचेस, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। ओपन कर रहे हैं रंजित मानी और सिंटो जॉर्ज ने इनकी तरफ से लास्ट मैच में ओपन किया था। रंजित मानी देखो, पहले 2 मैच में ना इसने बॉलिंग करवाई नहीं थी, 10 और 19 किया था, लेकिन आखिरी मैच में इसने 25 रन भी किए थे और 2 ओवर अपने पूरे डाले थे और 2 विकेट भी निकाले थे। तो अगर ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है तो रंजित मानी एक बहुत तगड़ा पिक है। ओवरऑल 158 मैच में 4,241 रन, 31 का एवरेज, 163 विकेट है। सिंटो जॉर्ज पहले 2 मैच खेला नहीं, आखिरी मैच में 0 पर आउट हुआ था। ओवरऑल 407 मैच में 15,132 रन, 39 का एवरेज, 156 विकेट है। हरी प्रशांत, इसने अच्छी बैटिंग की है, विकेट कीपिंग भी कर रहा है, 1,30 और 28 है। ओवरऑल 209 मैच में 6,076 रन, 36 का एवरेज है। श्याम रमेश एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, 3 मैच में 4 विकेट्स निकाल चुका है और बल्ले से 32 नॉट आउट, 16 और 4 है। ओवरऑल 235 मैच में 46 रन, 29 का एवरेज, 261 विकेट है। जुनेद शमसुद्दीन ये भी एक बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि देखो आप, पहले मैच में 20 रन 1 विकेट, दूसरे में 0 रन 0 विकेट, आखिरी मैच में 14 रन है। हालांकि बॉलिंग इसको आखिरी मैच में मिली नहीं, लेकिन अगर इसको बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें मिलती हैं तो भाई जुनेद शमसुद्दीन बहुत तगड़ा पिक है। ओवरऑल 517 मैच में 12,970 रन, 33 का एवरेज, 167 विकेट है। जी गोपाल कृष्णा एक स्पिनर है टॉप क्लास का, पहले में 2 विकेट, दूसरे में 3 विकेट, आखिरी मैच में विकेट ले जरूर रहा, लेकिन कमाल का बॉलर है। 321 मैच में 2,000 रन और 391 विकेट हैं। रिजवान सब्बीर पहले मैच में 2 ओवर में 1 विकेट, दूसरे में 2 ओवर में 0 विकेट और आखिरी मैच में 1 ओवर डाला, वहां पर भी विकेट लेस था। ये भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, 766 मैच, 15,636 रन और 833 विकेट है। स्पिनर है तैमूर अली, पहला मैच खेला नहीं, 10 नॉट आउट, फिर 8 है, नीचे बैटिंग कर रहा है। 314 मैच में 9,648 रन, 38 का एवरेज, 113 विकेट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे बैटिंग कर रहा है, सिर्फ यही मेन रीज़न है। यहाँ से इंतज़ार अली है, 9 बैटिंग 0 है और आखिरी मैच में 1 ओवर ज़रूर मिला जहाँ पर 1 विकेट था, लेकिन ज़्यादातर इनको बॉलिंग नहीं मिल रही है। 190 मैच में 222 विकेट है। के रामाकृष्णन 9 बैटिंग खेला नहीं, फिर 2 रन। यहाँ से मोहम्मद जिशन भट्ट, ये अच्छा बॉलर है, हर मैच में 2 ओवर डाल रहा है, विकेट 2 है, 13 मैच में 15 विकेट है। अभी के लिए देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन है, रंजित मानी मेरे को अच्छा लग रहा है, हरि प्रशांत है, श्याम रमेश है, जुनेद शमसुद्दीन है, जी गोपाल कृष्णा है और नीचे से यहाँ पर मोहम्मद जिशन भट्ट या फिर रिजवान सब्बीर में से कोई एक। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से अगर कोई को चांस मिलता है तो उसके स्टैट्स आपको दे दूंगा। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे मोहम्मद जिशन भट्ट, एम रिजवान और जी गोपाल कृष्ण। डेथ के ओवर डालेंगे, ध्यान रखना श्याम रमेश और मोहम्मद जिशन भट्ट दोनों डेथ में आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि एस की, 11S की टीम पहला मैच जीती, उसके बाद में 2 मैच हारी हैं। ओपन करेंगे सागर कल्याण और उस्मान खान। सागर कल्याण पहले में 85 नॉट आउट है लेकिन उसके बाद में 5 और 18 रन, 0 विकेट है। हालांकि लास्ट मैच में 1 ओवर डाला था लेकिन सागर कल्याण का परफॉर्मेंस डाउन गया है। उस्मान खान इनका सबसे तगड़ा बैट्समैन है ये, लेकिन अब तक परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, 10-9-2, लेकिन आज इसका सिलेक्शन रेट सिर्फ 16% है और ये आज आपके लिए एक ट्रंप पिक साबित हो सकता है। जैसे कल हुआ था ना अली अनवर, 17% सिलेक्शन रेट था, बहुत अच्छे पॉइंट देता, उसी प्रकार का प्लेयर है। 81 मैच में 3,161 रन, 49 का एवरेज, 8 विकेट है। खलीशा ये भी लगातार परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, 0-13-6, लेकिन ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। 108 मैच में 1,885 रन, 19 का एवरेज है। राहुल रघुवीर 4-31-2 हैं, ओवरऑल 128 मैच में 3,459 रन, 44 का एवरेज, 17 विकेट है। सौर्या सिंह 11 नॉट आउट, 5 नॉट आउट, 2 हैं। कुनैन अब्बास 6-0-36 हैं, ये नीचे बैटिंग कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये बात। अहसान सजाद देखो, पहले में यहाँ पर 3 रन 1 विकेट है, दूसरे में 1 रन 0 विकेट है, लेकिन दोनों मैच में 2-2 ओवर इसने डाले थे और 82 मैच में 42 विकेट है ओवरऑल।
निलेश केशवानी, ये आपको हर मैच में दो ओवर देगा, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, विकेट एक है, बल्ले से 14 और 16 नॉट आउट है, ओवरऑल 169 मैच में 177 विकेट है। अहमद शाह, पहले में 3 विकेट, दूसरे में 10 एक विकेट, आखिरी में एक ही ओवर मिला लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। रियाज खलीक, पहला मैच खिला नहीं, दूसरे में विकेटलेस, यहाँ पर एक विकेट है, 56 मैच में 74 विकेट है, ट्रंप बन सकता है, सिलेक्शन रेट बहुत कम है। नासिर अजीज, पहला मैच खिला नहीं, दूसरे में विकेटलेस, तीसरे में 2 विकेट है, 70 मैच में 71 विकेट ओवरऑल रिकॉर्ड है और ब्रेक बॉलर है। यहाँ से मैं अभी रखूँगा सागर कल्याण, उस्मान खान मेरा ट्रंप है, इसको बिल्कुल रखूँगा। नीचे से मैं यहाँ पर रखूँगा निलेश केसवानी, अहमद शाह और नासिर अजीज़ या फिर रियाज खलीक, दोनों में से कोई एक। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे नासिर अजीज़ एंड केशवानी, डेथ के ओवर डालेंगे ए शहजाद, रियाज खलीक, सागर कल्याण। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूं यहां पर डेमो टीम की तो आप देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है हरि प्रशांत को, बैटिंग सेक्शन से सागर कल्याण, रंजित मानी, उस्मान खान, जुनेद शमसुद्दीन और नासिर अजीज को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से जी गोपाल कृष्णा, श्याम रमेश को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से मोहम्मद जिशन भट्ट, अहमद शाह और एन केशवानी को रखा है, कैप्टन श्याम रमेश है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर रहे हैं, रंजित मानी ने लास्ट मैच में बॉलिंग कराई थी इसलिए वो इस कैप्टन है। फिलहाल के लिए टीम यही है, लेकिन फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।